हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रेडमी 9A फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसका एक दो प्रॉब्लम कॉमन होता है कि आपको और कहीं सेक्शन में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहां पे काम करोगे सीधा आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएँगे। तो यहाँ से हम चार्जिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 0.6 या 0.12 या फिर 1 एम्पीयर से भी ज़्यादा एक करंट हमारा ले रहा है कभी कभी। तो इस केस में हमें क्या काम करना चाहिए, ये मॉडल की बात कर रहा हूँ, ना ही अदर मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या इश्यू हो सकता है उसको पूरी डिटेल में हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बोर्ड की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि किसी और ने इस पर काम बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका डीसी रीडिंग आपको चेक करवाते हैं कि डीसी रीडिंग क्या है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ से हम इसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे और इसकी रीडिंग को चेक करते हैं कि पावर की प्रेस करने के बाद हमारा कितना रीडिंग ले रहा है वो हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। बैटरी कनेक्ट यहाँ पे हमने डीसी मशीन को कनेक्ट कर दिया है और पावर की को फ्रेंड्स हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा डीसी रीडिंग कोई भी नहीं है, मतलब कि पावर के प्रेस करने के बाद कोई भी करंट कंज्यूम हमारा नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारी सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे फ़ोन में कौन सी लाइन ये रेडमी 9A में शॉर्ट हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बोर्ड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कोई टेक्नीशियन भाई ने इस पे काम बिल्कुल भी नहीं किया है, हमारे पास फ्रेश कंडीशन में ही बोर्ड आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखेंगे और यहाँ पर इसका हम GR को चेक करेंगे। तो एक बार आपको ज़रूर चेक करना है यहाँ पे पावर सेक्शन के साइड में, ये जो हमारा कंपोनेंट्स है कैपेसिटर, वहाँ पे हम इसकी GR चेक करेंगे। यहाँ पे 350, 370, 400 के करीब हमारी GR आ रही है, यहाँ पे हमारा कोई भी शॉर्टिंग का इश्यू नहीं है। तो इसमें एक और इसमें दो लाइन शॉर्ट होती है। कौन सी दो लाइन शॉर्ट होती है, एक CPU के नीचे जो रजिस्टर जा रहा है फ्रेंड्स, सॉरी कैपेसिटर की लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी शॉर्ट हो जाने की वजह से आपका फ़ोन डेड हो जाता है। देखिए, मैं आपको लास्ट में बीट मैप में भी चेक करवाऊंगा। यहाँ से देखिए, ये जो लाइन से हमारी 1 ohms की शॉर्टिंग आ रही है, ये रजिस्टर हमारा CPU से निकल के एक पावर IC के इस पे सप्लाई जा रही है। देखिए यहाँ से, ये जो कैपेसिटर है ये लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, ये लाइन हमारा CPU से इसकी सप्लाई निकल के पावर IC में जा रही है और वो लाइन हमारी शॉर्ट हो रही है, इसके कारण हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में जा रहा है। तो इस केस में हमें इसको कैसे सोल्व करना है वो हम समझेंगे। तो यहाँ से एक बार आपको फिर से मैं चेक करवा दूँगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये CPU को रिमूव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम पावर IC को रिमूव करेंगे और पावर IC के बीच में हमारी जो ये CPU से इसकी जो सप्लाई आ रही है उसके ऊपर हम UV लगा के इन सप्लाईज़ को बंद कर देंगे, क्योंकि वो सप्लाई अगर ना हो तो भी हमारा फ़ोन ऑन तो रहेगा ही लेकिन फेक चार्जिंग करेगा, थोड़ा स्लो चार्जिंग करेगा। तो चलिए हम पावर IC को सबसे पहले रिमूव करते हैं और ये जो कंपोनेंट्स की लाइन है उसको हम मिसिंग करते हैं और वहाँ पे UV लगा देते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ।
जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे यूवी मास्क लगा दिया और हमारा जो लाइन शॉर्ट था उसको भी हमने शॉर्टिंग निकाल दिया यहाँ से, लेकिन ये लाइन तो यहाँ पे तो हमारा शॉर्ट आएगा, लेकिन हमने एक बॉल्स मिस कर दिया था वो भी, फिर भी हमारा यहाँ से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। फिर हमने इसका फ्रंट साइड का पूरा शील्ड को निकाला और दूसरा लाइन मैंने चेक किया फ्रेंड्स, हमने पूरा शील्ड को निकाला, ये वीडियो थोड़ा कट हो गया था, तो ये पूरा यहाँ से शील्ड निकाला और ये लाइन फ्रेंड्स हमारी शॉर्ट आ रही थी। मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है वो लाइन शॉर्ट आ रही थी। फिर हमने देखा कि वो लाइन हमारा पावर आईसी पे 3 नंबर की जो बॉल्स है वहाँ पे इसकी सप्लाई जा रही है, और हमने आईसी को निकाला था और देखा इसका जीआर, तो हमारी आईसी फुल शॉर्ट थी। हमने दूसरी आईसी निकाला लगाया था, वो आईसी भी हमारी शॉर्ट थी। फिर से हमने एक और आईसी को रिप्लेस किया, फिर हमारा यहाँ से इसका जीआर सही आया। तो अपने आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आया सीपीयू के पीछे की लाइन आपकी शॉर्ट आ रही हो और वो सही करने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन ना हो, तो ये वाला लाइन आपको ज़रूर चेक करना है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बिट मैप में चेक करवा देता हूँ कि हमारा, देखिए सीपीयू के पीछे की जो लाइन्स थी वो हमने यूवी मास्क लगा के इसको लाइन्स को डिसकनेक्ट कर दिया था, तो ये हमारा फ़ोन तो ऑन होगा लेकिन थोड़ा स्लो चार्जिंग होगा, लेकिन हमारा फ़ोन तो ऑन कंडीशन ही रहेगा। और दूसरा हमारा लाइन शॉर्ट था फ्रेंड्स, वो एक पावर आईसी से हमारा 3 नंबर की बॉल्स पे जा रहा था, तो इसकी वजह से हमें और एक आईसी को चेंज करना पड़ा। तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया, आपको भी उस तरीके से चेक करना है पावर, आप ये लाइन आपको ज़रूर चेक करना है। तो इसकी वजह से हमने इसको आईसी को फिर से चेंज किया और हमारी आईसी दूसरी बार हमने चेंज किया था वो भी शॉर्ट निकला था, इसकी वजह से हमने तीसरी बार आईसी को चेंज करना पड़ा। तो यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ से अभी पावर की थोड़ा प्रेस नहीं किया था, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा प्रेस करते हैं, एक बार चार्जिंग लगा के देख लेते हैं, बैटरी शायद लो भी हो सकती है, देखा नहीं था। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक केबल यहाँ से डिसकनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम देखिए, यहाँ से अभी लोगो तो आया था, ये थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम था, उसको हम सही से इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे। ऐसे हम इसको पावर की को थोड़ा प्रेस करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा प्रेस करना पड़ता है ताकि इसके साथ कनेक्ट हो जाए सही से। तो हमने इसको यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ आ चुका है, और इसको थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।